हेलो गाइस वेलकम टू द कार शो आज आपके सामने है ऑल न्यू 2022 टाटा पंच टाटा पंच 2022 का प्राइस 5.93 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता है और जाता है 9.49 लाख रुपीज़ तक टाटा पंच के अंदर आपको यहां पे काफ़ी सारे वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम मेनली बात करने वाले इसके काजी रंगा एडिशन के बारे में जिसका कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक्सोर प्राइस है 8.59 लाख रुपीज़ इंजन से स्टार्ट करते हैं तो कई यहाँ पर आपके इस कार में ऑफर किया जाता है 1.2 लीटर का थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 85 पीएस की पावर और 113 न्यूटन मीटर मीटर्स का टॉक और इसकी एयर एक माइलेज है

जाकर से करें लिंक आपको इसका नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में बाकी अब बात कर लेते हैं इस काजीरंगा एडिशन के बारे में तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें गोल्डन कलर देखने को मिलेगा स्पेशल काजीरंगा एडिशन के अंदर एंड साथ ही आपको यहाँ पर इसमें कुछ क्लासी ब्लैक इंसर्ट भी जगह जगह पर दिए गए हैं जो कि इसको और भी ज्यादा एनहांस कर देते हैं बाकी यहाँ पर आपको मिल जाता है टाटा का लोगो इसकी फ्रंट ग्रिल के ऊपर साइड पर आपको यहां पर इसमें एल ई डी डी एल ऑफर किए जा रहे हैं जिसके साइड पर आपको यहाँ पे साइड टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है बाकी कुछ इस तरह से ये वर्क करेंगे नीचे आपको इसके मिल जाता है हेडलैंप यूनिट एंड लो बीम के लिए आपको यहाँ पे हेलोजन बेड प्रोजेक्ट हेडलैंप ऑफर किया गया साथ ही आपको

प्रोफाइल आपके यहाँ पर मिल जाती है एंड ओवरऑल साइड प्रोफाइल का लुक पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है फेंडर के ऊपर आपको यहाँ पे एक राइनो बना हुआ दिखेगा जो कि इंडिकेट करता है कि आप काजी रंग एडिशन चला रहे हैं यहाँ पर आपको साइड इंडिकेटर मिल जाएगा इसके ओवर वीएम इस के ऊपर एंड इस के अंदर आप यहाँ पे ओवर वीएम को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों ही कर सकते हैं एंड ब्लैक फिनिश के अंदर आपको यह मिलता है एंड जो कार के पिलर्स हैं और रूफ है वो भी आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर ही दी गई है जो कि ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी अपील इस कार को प्रोवाइड कर देती है डोर हैंडल्स की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे इसमें बॉडी कलर ही ऑफर किए गए बाकी रूफ़ आप यहाँ पे अब इस कार की देख सकते हैं रूफ रेल्स भी आपको यहाँ पे इसमें ऑफर की गई हैं जो कि नॉन फंक्शनल है एंड कुछ ऐसी आपको है मिलती है ब्रेक लाइट आपको यहाँ पर इसमें दी गई है स्पॉयलर आपको यहाँ पे इसमें नहीं मिलेगा बाकी यहाँ पे आपको मिलती है वोकल फॉर लोकल की पैचंग रियर वाइपर वॉट टेंटी फो आपको तीनों चीज़ें मिल जाती है रियर प्रोफाइल कार का कुछ ऐसे यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिलता है नीचे आपको उसके रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया फिर आपको यहाँ पंच की बैचिंग मिल जाती है। एलईडी टेल्प आपके यहां पर इस कार में ऑफर की जाती हैं कुछ इस तरह के के डिजाइन साथ ये आती है। लो के आपको यहां पे मिलेगा दो पार्किंग दो रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे नीचे बम्पर पर इसके दिए गए हैं और अब डायमेंशन की बात करें तो कई इस कार की ऑल ओवर लेंथ है थ्री एट टू सेवन एम एम वेथ एम एम इस कार के अंदर आपको यहाँ पे टोटल टू फोर फोर फाइव एम एम का व्हील बेस ऑफर किया जाता है जिसकी वजह से इंटीरियर स्पेसिंग आपको यहाँ पर इस कार में डिसेंट मिल जाती है और ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहां पर इस कार में दी जाती है वन एटी सेवन एम एम जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से आपको ठीक ठाक मिल जाती है बाकी अगर आप इस कार का कोई और वेरियंट कंसिडर कर रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर वेरियंट का डिटेल्ड फॉक्राउंड वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और अब एक बार चल लेते थे कार के अंदर तो ये है इस कार का ड्राइवर साइड डोर जिसके ऊपर आपको यहाँ पर एक सेंसर दिया गया की लेस एंट्री के लिए एंड जैसी कार को आप लॉक या अनलॉक करेंगे इसके जो ओवर रियम्स है वो ऑटोमेटिकली फोल्ड या अनफोल्ड साथ के साथ होते रहेंगे और साथ यहाँ पे साइड टर्न इंडिकेटर भी इनके ऊपर यहाँ पे ब्लिंक करता रहता है और अगर बात करते हैं इसके डोर पैड की तो इस तरह का आपको यहाँ पर इस कार में डोर पैड ऑफर किया जाता है पूरा पूरा सिंगल टोन ब्लैक फिनिश में आपको दिया गया ऑल फो विंडो कंट्रोल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ओवर वीएम के कंट्रोल्स जिन्हें कि आप इलेक्ट्रॉनिकली ले एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों ही कर सकते हैं पीछे आपको स्टोरेज स्पेस दी गई हार्ड प्लास्टिक आपको यहाँ पूरे मिलते हैं बाकी यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर बॉटल होल्डर साथ ही एक स्पीकर मिल जाता है बाकी इस कार के जो डोर्स हैं वो पूरे नाइन्टी डिग्री एंगल तक ओपन हो जाता है कार के अंदर एंटे एग्जिट करने में आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है अंदर आती है आपको यहाँ देखने को मिलती है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ इसकी ड्राइवर साइड सीट जिसकी आप यहाँ पे हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं एंड कुछ ऐसा आपको यहाँ पे फर्स्ट लुक मिल जाता है इस कार के कंप्लीट डैशबोर्ड का जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है और अब कीज की बात करें तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह की कीज ऑफर की जाती है जो की आती है लॉक अनलॉक हेडलैम्प ऑन या ऑफ और साथ ही टेल गेट ओपना के बटन के साथ पीछे साइड पर आपको मिल जाता है टाटा का लोगो एंड दो आपको यहाँ पे कीज इस कार में दी जाती है चलिए अब कर लेते हैं कार का इग्निशन ऑन एक यहाँ पे इसमें मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच एंड जैसे आप इसे दो बार प्रेस करेंगे आपकी कार का इग्निशन ऑन हो जाएगा एंड यहाँ पे अगर बात करते हैं सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर राइट में आपको दिया गया स्पीडोमीटर जो की एनोलॉग डिजाइन में एंड ये आपको टू की मार्किंग तक मिल जाता है इस साइड पर आपको मिल जाती है एमएडी स्क्रीन और साथ ही आरपीएम मीटर एंड बाकी इसकी एमएडी स्क्रीन के अंदर आपको काफी सारी ओवरऑल डिटेल्स शो हो जाती है आप जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर सभी की सभी देख सकते हैं इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आप देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ एफ वगैरह भी आप इसमें देख सकते हैं कौन सा भी मतलब आ, यहां पे चल रहा है अगर ब्लू चल रहा होगा तो ट्रैक का नाम आ रहा होगा पावर टॉकफिक आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं और भी आपको यहां पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन ओवरऑल शो हो जाती है

और इस साइड पर आपको यहाँ पर मिल जाता है फ्रंट और रियर वाइपली कंट्रोल स्टेरिंग व्हील एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप व्हील के अंदर को को में ही एडजस्ट कर पाएंगे टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है यहाँ आपको एक एसी वेंट मिल जाता है जिसके बिल्कुल नीचे आपको मिलता है स्टार्ट स्टॉप का स्विच साथ ही मिल जाता है को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच एंड ये कुछ ऐसे ऑन होगा यहाँ आपको मिल जाता है ऑटो इंजन ऑन ऑफ का स्विच और यहाँ आपको मिल जाता है इको मोड का बटन ड्राइव मोड एक्टिवेटेड तो जैसे आप इसे प्रेस करेंगे इको मोड एक्टिवेट हो जाएगा इंडिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगा और साथ ही इसी को दोबारा से प्रेस करने पर आपका वापस से सिटी मोड लग जाएगा सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड डैशबोर्ड लेआउट की बात करें तो आपको कंप्लीट डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिल जाता है सेंटर में आपको यहाँ पे दिया गया सेवन इंच का टच स्क्रीन एंफरटेनमेंट सिस्टम जो किया था है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार्प्ले ए एम एफ एम यूएसबी और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ बाकी आपको ड्राइव नेक्स्ट वाले फीचर्स भी यहाँ पे इस के अंदर मिल जाते हैं और इसके अंदर अपना ना यहाँ पे इसकी थीम वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं बाकी ब्लू सबसे ज्यादा सूट करती है क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी ब्लू और मैच सा लगता है, एक बार ऑन दिया तो यहीं पर सभी के सभी कंट्रोल छुएंगे फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपके यहां मिलता है इस कार के अंदर बट जो डिस्प्ले है उसका आपको यहीं पर एसी के अंदर मिलेगा यहाँ आपको दो ए सीवेंट दिए गए यहाँ आपको मिल जाता है हजार लाइट का स्विच साथ ही उसके बाद आपके यहाँ इसमें कुछ इस तरह का टेक्सचर फिनिश इसमें देखने को मिल जाता है एरो डिजाइन आपको यहाँ पूरा पूरा दिया गया ऊपर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की फिनिशिंग मिलती है बहुत ही प्रीमियम सी लगती है वैसे उधर आपको ग्लॉसी ब्लैक एंड सर्ट मिल जाते हैं इस इवेंट के साइड पर एसी कंट्रोल्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका कुछ ऐसे आपको ये पूरे कंट्रोल्स इसमें दिए गए यूएसबी का पोर्ट आपको मिल जाएगा ट्वेल्व वोट का पावर सॉकेट फिर आपके यहाँ मिल जाता है और उसके बाद आपके यहाँ मिल जाती है इसमें कुछ स्टोरेज स्पेस जहाँ पर कि मैंने अभी फिलहाल रखा हुआ है वन का सिट्रस का परफ्यूम जैसे कि आप भी जरूर से अपनी कार के अंदर रखें ताकि आप भी मेरी तरफ अपनी कार के अंदर एक बहुत ही बड़ी फ्रीक्वेंसी का मजा ले सके बाकी इसके बाद आपको मिलता है इसका फाइव स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स जिसके अंदर की रिवर्स गियर लगाती आपको मिलेगा आपके रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले जो कि आता है मूविंग गाइडलाइंस के साथ एंड आपको यहां पे सेंसर्स की साउंड भी सुनने को मिल जाती है जो कि अभी आप सुन पा रहे हैं बाकी कुछ ऐसा आपको ये पूरा गेयर बॉक्स मिलता है यहाँ पे आपको पूरे ग्लॉसी ब्लैक एंड शर्ट्स मिलता है नीचे ब्लैक इंसर्ट्स मिलते हैं आपको ये मिलता है पीछे आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाती है स्टोरेज स्पेस मिलती है साथ ही एक और फेल वोट्स का पावर सॉकेट आपको यहाँ पे भी इसमें दिया गया एक आपको आगे मिलेगा एक आपको यहाँ पीछे मिल जाता है दो बॉटल होल्डर्स आपको मिल जाते हैं एंड बात कर लेते हैं सीट्स की तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह की ब्लैक एंड कैमल टैन कलर के अंदर लेदर सीट्स ऑफर की जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया डिजाइन के साथ आती है परफोरेशन आपको यहाँ पर इसमें पूरी पूरी देखने को मिल जाती है एंड वाइज काफी ज्यादा बढ़िया ये सीट्स आपको यहाँ मिलती है यह सेफ्टी मिल फीचर्स की बात करें तो गाइस इस कार ने ग्लोबल एंड कैप टेस्ट के अंदर पूरे फाइव स्टार्स को किए थे आउट ऑफ फाइव स्टार्स जो कि इसे बना देता है इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स में से बाकीयर बैग्स ए बी एस सी रीडियो आपको यहाँ पे आज स्टैंडर्ड इस कार में मिल ही जाते हैं यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है ग्लोब बॉक्स जो कि है बहुत ही बड़े साइज का यहाँ पे आपको काफी अच्छी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है लाइट भी आपको यहाँ पर इसमें दी गई ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाता है बुक्स वगैरह रखने एंड कूल्ड क्लब बॉक्स आपको यहाँ मिलता है लाइट भी है और कूल्ड भी है तो मतलब बेस्ट इन सेगमेंट तो आपको ये मिल ही रहा है बाकी अगर बात करते हैं की तो वहाँ आपको एक ट्विटर इसमें मिल जाएगा जो कि आप देख सकते है, और टू आपको यहां इस कार में जाते हैं मैन्यूअल डे एंड नाइट आई आर वी एम यहाँ आपको इसमें मिल जाती हेलोजन बल्ब के साथ इसकी क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव की जा सकती थी बाकी मतलब थोड़ा और अच्छे सेटअप देता है काफी बढ़िया रहता है यहाँ आपको ब्लूटूथ माइक मिल जाता है और इस साइड पर आपको यहाँ पर एक टिकट होल्डर दिया गया बाकी अब चल लेते हैं कार की बैक सीट में एंड चलकर चेक कर लेते हैं इस कार का बैक सीट कंफर्ट तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ इस तरह का यहाँ पे डोर हैंडल दिया गया एंड डोर पैड की अगर बात करते हैं तो ये आपको सेम फ्रंट डोर की तरह ही पूरा सिंगल टोन ब्लैक फिनिश के अंदर मिल जाता है यहाँ पर आपको इसमें दिया गया पावर विंडो का स्विच पीछे आपको स्टोरेज स्पेस दिएगा नीचे आपको बॉटल होल्डर मिलता साथ ही एक स्पीकर दिया गया एंड ऊपर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में इसका डोर हैंडल मिल जाता है और ये वाला डोर भी पूरा नाइन्टी डिग्री एंगल तक को ओपन होता है जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ और कार के अंदर आदि आपको यहाँ देखने को इसमें मिल जाते हैं दो एडजस्टेबल टाइप के हेडरेस्ट जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है एंड यहां पर आपको सेंटर में आमरेस भी ऑफर किया जाता है बट इसके अंदर आपको यहाँ पे कोई भी बॉटल होल्डर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड लेदर सीट्स आपको यहाँ मिलती हैं इस कार के अंदर जो की काफी ज्यादा प्रीमियम टच इस कार को दे देती है और डैशबोर्ड लुक आपको यहाँ पर इस कार में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा लग रहा है मैप पॉकेट्स भी आपको यहाँ पर इस कार में ऑफर की जाती है बाकी अगर बात करते हैं स्पेस की तो मेरी हाइट सिक्स फीट एंड जो ड्राइवर साइड सीट है वो मेरे नॉर्मल ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से सेट है और इस कार के अंदर काफी अच्छा नी रूम लेग रूम और हेड रूम मिल पा रहा है बाकी बैक सीट पैसेंजर्स के लिए जो रूफ लाइट होती है वो यहाँ पर मिसिंग आपको सिर्फ एक ही लाइट इस पूरे कैबिन में मिलती है

बूट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इतने साइज़ का बूट एरिया मिल जाता है टोटल थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स लीटर्स का आपको यहाँ बूट मिल रहा है पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ इस वेरियंट के अंदर मिलेगी जो कि अभी फिलहाल इंस्टॉल्ड नहीं है रियर सीट्स को आप यहाँ पर इसमें फोल्ड कर सकते हैं एंड अगर बात करते हैं इसके नीचे की तो यहाँ पर आपको इसके नीचे मिल जाता है इसका स्पेयर व्हील जो कि आपको यहाँ पे एक साइज छोटा 15 इंच का ऑफर किया जाता है एंड टूल किट भी आप यहीं पे साथ में इसकी देख सकते हैं एंड ओवरऑल स्पेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बूट लाइट आपको यहाँ इसमें मिल जाती है चार से पांच बड़े बैग्स आप यहाँ पे कैरी कर पाएंगे बाकी अब बंद कर देते हैं इसके टेली को एंड बात कर लेते हैं इस कार के ऑन रोड प्राइस के बारे में तो अगर इस पर्टिकुलर कार टाटा पंच काजी रंग एडिशन मैनुअल वेरियंट का एक्चुअल प्राइस है 8.59 लाख रुपीस एंड ये ऑन रोड आपको चंडीगढ़ में पड़ेगी 9.55 लाख रुपीस की तो गाइज आपको ये कार कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आप इसका कोई को और वेरिएंट देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया इन्वॉल्व वन के सेट्रस का परफ्यूम का जिसे जाकर आप जरूर से बाय कर लें अपनी कार के लिए बाकी यही थी इस कंप्लीट वीडियो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो Please do hit the like button and also subscribe to my YouTube channel. Thank you and have a nice day.